Hello friends, as we discussed in the last video, basic introduction of partners capital account and profit and loss appropriation account. Now today we are going to discuss two sums on that. I am going to explain you both sums. जो मैंने यहाँ पे ये वीडियो में दो सम दिए वो दोनों के दोनों सम मैं आज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो ध्यान से केयरफुली इसको देखिएगा और ट्राई करिएगा खुद करने के लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट. शारदा एंड जमुना आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म. द कैपिटल्स एज ऑन 1/4/2016 वाज ₹30,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे हमें दोनों पार्टनर्स के कैपिटल दे दी गई है. शारदा एंड जमुना दो पार्टनर है और उनकी कैपिटल एज ऑन 1/4/2016 मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उन दोनों की कैपिटल हमें यहाँ पे दी गई है 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली. ड्यूरिंग द ईयर शारदा हैज़ विड्रॉन ₹6,000 ऑन 1/4/2016 वाइल जमुना ₹8,000 ऑन 1/1/2017. माई डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी. डेट यहाँ पे आपको देखनी रहेगी भी कौन सी डेट को उन्होंने ड्राइंग्स किया हुआ है, क्योंकि जब कभी भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट दैट टाइम हमें यहाँ पे डेट का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि डेट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे भाई कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा. नाउ लेट्स सी. ₹6,000 विड्रॉ किया है शारदा ने ऑन 1/4/2016 मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही उसने ₹6,000 का ड्राइंग्स किया हुआ है, तो उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा अगर इंटरेस्ट दिया है तो. और जमुना ने ₹8,000 का ड्राइंग्स किया है ऑन 1/1/2017. इसका मतलब ये होगा कि 1/1/2017 से लेके 31/3/2017 तक मतलब 3 months का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. देखते हैं. द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोज. प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम. प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 12% पर एनम. नंबर 3, मंथली सैलरी ऑफ ₹500 इज पेएबल टू शारदा फॉर हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बिजनेस एंड एनुअल कमीशन ऑफ ₹3,000 इज पेएबल टू जमुना. तो यहाँ पे हमें टोटल 4 एडजस्टमेंट दिए हैं. सबसे पहले ऐसा बोला हुआ है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम. ओके फाइन, हम 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी दो इफेक्ट जाएगी. एक जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे एंड दूसरी इफेक्ट जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे. देखते हैं आगे. दूसरा है आपका प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम, जिसकी भी दो इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए इनकम होता है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, एज वी डिस्कस अर्लियर. मंथली सैलरी ऑफ ₹500 इज पेएबल. मंथली सैलरी ऑफ ₹500, सर अगर मैं यहाँ पे मंथली सैलरी पे कर रहा हूँ ₹500 का, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं. तो 12 महीने का टोटल सैलरी कितना होता है? 500 × 12 मतलब ₹6,000 का आपका टोटल सैलरी आपने पे किया होगा टू पार्टनर शारदा को. तो खाली हमें शारदा को ही पे करना है. दूसरा हमें ऐसा बोला एनुअल कमीशन ₹3,000 इज पेएबल टू जमुना. तो जमुना को हमें ₹3,000 का ये पे करना रहेगा. तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे जाएगा एक्सपेंस के तौर पे और दूसरी इफेक्ट जाएगी आपकी जमुना में क्रेडिट साइड पे. ऑन 1/10/2016 शारदा हैज़ गिवन लोन ऑफ ₹6,000 टू द फर्म. देर इज़ नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन. शारदा डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन लोन. यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि भाई शारदा नाम की जो पार्टनर है उसने ₹6,000 का लोन दिया था, लेकिन लोन के ऊपर जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो लोन का इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस कहलाएगा फर्म का, मतलब वो जाएगा पीएनएल अकाउंट में ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो ये ट्रांजेक्शन फॉर द टाइम बींग ये सम के लिए हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा, तो इसको हम इग्नोर करते हैं. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 बिफोर कंसिडरेशन ऑफ द अबो प्रोविजन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शारदा ऑफ द फर्म इज ₹39,820. तो सर ये हमें नेट प्रॉफिट दे दिया गया है एज पर द पीएनएल अकाउंट, तो उसको हम डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एज पर द फॉर्मेट, जैसा कि आपने फॉर्मेट में देखा हुआ है. फ्रॉम द अबो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म. तो हमें यहाँ पे दो अकाउंट बनाने रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहली बात, जो भी यहाँ पे मुझे बैलेंसेस दिए हुए हैं, सबसे पहले वो बैलेंसेस को मैं सारे के सारे पुट डाउन कर देता हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ूँ तो उसमें मुझे कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं दोनों पार्टनर्स के, शारदा का 30,000 जमुना का 40,000. तो वो जाएगा उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे. वहाँ पे हमें लिखा होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 एंड 40,000 वी कैन सी हियर. उसके बाद हमें दिया गया है प्रॉफिट का बैलेंस. तो प्रॉफिट का बैलेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे लिख देंगे 39820. माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा. नाउ आगे बढ़ते हैं.
सर हमें ऐसा बोला है कि भाई दोनों पार्टनर से उन्होंने 6000 और 8000 का ड्राइंग्स भी किया हुआ है। ओके फाइन, तो ड्राइंग्स की इफेक्ट कहाँ पे जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो शारदा के अकाउंट में जाएगा 2 ड्राइंग्स में 6000 और जमुना में जाएगा ड्राइंग्स में 8000। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना, उन्होंने डेट अलग अलग डेट पे ड्राइंग्स की थी। तो शारदा ने जो ड्राइंग्स की थी वो 1/4/2016 को ड्राइंग्स की थी, इसलिए उसका डेट आएगा 1/4/2016। और जमुना ने जो ड्राइंग्स की थी वो 1/1/17 को ड्राइंग्स किया था, तो उसका डेट आएगा 1/1/2017। तो हमें यहाँ पे दोनों को अलग अलग बाइफोकेट करके लिखना रहेगा। नाउ मूव टू दी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। सर यहाँ पे कैपिटल दिया है 30,000 एंड 40,000। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो शारदा का इंटरेस्ट रहेगा 3,000 और जमुना का इंटरेस्ट रहेगा 4,000। तो हमें उन दोनों का इंटरेस्ट देना रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। ये रहा, वी कैन सी हियर, शारदा का रहेगा 3,000 एंड जमुना का रहेगा 4,000 और टोटल रहेगा आपका 7,000। सर इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी? अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे इफेक्ट आई है तो उसकी दूसरी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शारदा के अकाउंट में 3,000 और जमुना के अकाउंट में 4,000। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी। नेक्स्ट नंबर 2, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा ऑन ड्राइंग्स। तो सर ड्राइंग्स हमें कितना कितना दिया है, तो देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स कितना है, 6,000 और 8,000 है। तो शारदा का ड्राइंग है 6,000, लेकिन सर उसका जो ड्राइंग्स है वो 1/4/2016 को है, मतलब हमें पूरे साल का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा। तो पूरे साल का इंटरेस्ट 6,000 के ऊपर 12% के मुताबिक कितना रहेगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना रहेगा। जैसे ही हम वो कैलकुलेट करते तो हमें आंसर मिल जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 720 रुपीज़। वैसे ही हमें कैलकुलेट करना रहेगा जमुना का ड्राइंग्स का इंटरेस्ट। तो जमुना का ड्राइंग्स जो है वो 8,000 रुपीज़ है। अब 8,000 के ऊपर सर अगर मैं 12% करता हूँ तो वो आ जाएगा अपना 960 रुपीज़ आएगा। लेकिन सर ये तो पूरे साल का होगा 960 रुपीज़, बट मुझे तो यहाँ पे 3 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है, तो इंटू 3/12 करना रहेगा। तो हमारा आंसर आ जाता है 240 रुपीज़। तो आप यहाँ पे जैसे ही कैलकुलेट करोगे 8,000 के ऊपर 8,000 इंटू 12% इंटू 3/12, तो आपको मिल जाएगा 240 रुपीज़ का इंटरेस्ट। अब सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ चुका है, उसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आप देख सकते हैं 720 और 240 यहाँ पे आएगा आउट ऑफ में 960। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। नाउ लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, मंथली सैलरी ऑफ ₹500 इज पेएबल टू शारदा फॉर हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। सर 500 रुपीज़ का अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो पूरे साल का जाता है 6,000 रुपीज़। तो 6,000 हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे हम देख सकते हैं 2 सैलरी करके हमने लिखा है, ब्रैकेट में शारदा का नाम लिखा है 6,000 रुपीज़, जिसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय सैलरी 6,000 रुपीज़ इन द कॉलम ऑफ शारदा। नाउ जमुना को सर हमने कमीशन दिया था, कमीशन एनुअल कमीशन है 3,000 रुपीज़ का, तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पे कमीशन टू जमुना 3,000 रुपीज़। और दूसरी इफेक्ट जाएगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय कमीशन इन द कॉलम ऑफ जमुना 3,000 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। सर हमें प्रॉफिट दे दिया है ओपनिंग बैलेंस जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन का हमें कोई यहाँ पे ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप सो कि हमारी सारी इफेक्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें एक ही चीज़ करनी है कि भाई इसका टोटल करना है। तो यहाँ पे देखने से हमें पता चल जाता है कि सर यहाँ पे क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ सकता है। फाइन इनफ, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर दीजिए, कितना आएगा? क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 40,780, उसमें से हम माइनस करेंगे 7,000, 6,000, 3,000, तो हमें रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 24,780, जो रहेगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में बटेगा इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने सम के अंदर देखा था, तो सम के अंदर हमें कहीं पे PSR दिया नहीं हुआ था। तो जब कभी भी आपको PSR दिया नहीं है तो हमें क्या लेना होगा, इक्वल रेशियो लेना रहेगा, मतलब हम दोनों के बीच में इक्वल प्रॉफिट बांट देंगे 12,390, 12,390, जिसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 12,390 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट। उसके बाद हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होगा। अगर मैं शारदा को क्लोज करता हूं तो शारदा का क्रेडिट साइड का टोटल आता है 51,390, और उसमें से मैं अगर माइनस करूँ 6,720, ये दोनों अमाउंट अगर मैं माइनस करता हूं तो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारा 44,670, जिसको हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये रहेगा आपका एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि डेट हमारी आएगी 31 मार्च 2017। माय डियर फ्रेंड्स, ये खास ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड
एंड 31 मार्च 2017, यानी कि क्लोजिंग डेट आएगा हमारा। वैसे ही अगर मैं जमुना का अकाउंट क्लोज करता हूँ तो 59,390 का टोटल है, अगर मैं उसमें से 8,000 और 240 माइनस करूँ तो रिमेनिंग बैलेंस हमारा आएगा 51,150, और ये हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड रहेगा एज ऑन 31 मार्च 2017 का। आई होप सो माई डियर फ्रेंड्स कि आपको ये सम समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम की अगर बात करें, सम नंबर 54, सुधांशु एंड सर्वेश आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हमें दे दिया है 3:2 का रेशियो रहेगा। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन 1/4/2016 वाज ₹90,000, दिस इज फिक्स कैपिटल। सर ये हमें यहाँ पे दिया है 90,000 का टोटल कैपिटल है और ये फिक्स कैपिटल है। कैसा कैपिटल है? फिक्स कैपिटल है। मतलब सर हमें यहाँ पे एक फिक्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और एक करंट अकाउंट भी बनाना रहेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स हमें वही करना होगा। सर ये तो टोटल 90,000 का कैपिटल दिया है, आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:4। तो सर ये जो 90,000 की कैपिटल है वो हमें 5:4 में बांटनी रहेगी, तो 5:4 में बांटने से 50,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली सुधांशु एंड सर्वेश का मिल जाएगा। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। सुधांशु का ड्राइंग रहेगा 6,000 एज ऑन 1/7/2016। 1/7 को उसने विड्रॉ किया है पैसा, 1/7 को विड्रॉ किया है, तो सर 1/7 से लेके 31 मार्च 2017 तक का जो पीरियड रहेगा वो कितने मंथ्स रहेंगे? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, सर टोटल 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना रहेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स यू आर एब्सोल्युटली राइट, 9 मंथ्स का ही हमें कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पे रहेगा 4,000 के ऊपर ऑन 1/10/2016, तो सर 1/10/2016 से लेके 31 मार्च 2017 का पीरियड रहता है आपका 6 मंथ्स। मतलब सर्विस का जो भी यहाँ पे ड्राइंग्स है उसके ऊपर हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा। देखते हैं, देर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 12% पर एनम। यहाँ पर मैं ऐसा बोला है, देर इज प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 12%। तो सर हमें जैसे ऊपर के समय हमने देखा था वैसे ही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। ऑन 1/4/2016 बैलेंस इन द करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स ₹3,000 क्रेडिट बैलेंस एंड ₹2,000 डेबिट बैलेंस रिस्पेक्टिवली। तो सर हमें यहाँ पे ऐसा बोला है 1/4/2016 के जो बैलेंसेज है करंट अकाउंट के वो पार्टनर्स के है 3,000 क्रेडिट बैलेंस एंड 2,000 डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस दिया है यहाँ पे? डेबिट बैलेंस दिया है रिस्पेक्टिवली फॉर सुधांशु एंड सर्वेश। तो पहला जो अमाउंट है 3,000 क्रेडिट बैलेंस वो रहेगा सुधांशु का, और दूसरा जो अमाउंट है 2,000 डेबिट बैलेंस वो रहेगा सर्वेश का। देखते हैं आगे, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड। सर हमें यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। सुधांशु इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट। माय डियर फ्रेंड्स ये सारे के सारे वही एडजस्टमेंट्स है जो हमारे आगे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें पार्टनर जो है सुधांशु उसका कमीशन कैलकुलेट करना होगा 5% के मुताबिक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हम देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट करना है। बिफोर कंसिडरिंग द अबो मैंशन एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 इज ₹37,770। फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स। माई डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा एक ही काम होगा, सर हमें जितने भी बैलेंसेस दिए हैं वो सारे के सारे बैलेंसेस रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डाल दिए जाए। तो हमें यहाँ पे तीन अकाउंट बनाने होंगे, एक बनेगा हमारा पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बनेगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सर हमें तीनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं? यस सर दिए हुए हैं। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा सबसे पहले प्रॉफिट का अमाउंट क्रेडिट साइड पे, ये रहा ₹37,770। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा आपका 50,000 एंड 40,000, बिकॉज यहाँ पे टोटल कैपिटल दिया था 90,000 और जिसको हमने बांटा था 5:4 के रेशियो में, तो 5:4 के मुताबिक उसका रेशियो आएगा 50,000 एंड 40,000, ये हमने वर्किंग में दिया हुआ है। ओपनिंग टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर ₹90,000, द प्रोपोर्शन इज 5:4, तो 50,000 एंड 40,000 ईच यहाँ पे बटेगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? उसके बाद हमें जो बैलेंसेस दिए हुए हैं करंट अकाउंट के बैलेंसेस, सर करंट अकाउंट के बैलेंस में हमें ऐसा बोला था भाई 3,000 है वो क्रेडिट बैलेंस है सुधांशु का, तो सुधांशु का जो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा उसमें क्रेडिट साइड पे आएगा 1/4/2016 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹3,000। एंड सर सर्विस जो है उसका डेबिट बैलेंस था, तो सर उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा, सर्विस की कॉलम में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹2,000। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स हमने बैलेंसेस यहाँ पे अच्छी तरीके से पुट डाउन कर दिए हैं।
आगे बढ़ते हैं, हमें क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे ड्राइंग्स भी दिए हुए हैं, तो ड्राइंग्स है 6000 एंड 4000 का। ओके, कौन कौन सी डेट को ड्राइंग्स किया है? तो सर सुधांशु ने जो ड्राइंग्स किया वो 17 को किया है, और सर्वेश ने जो ड्राइंग्स किया वो 110 को किया है। फाइन इनफ, डाल देते हैं यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, डेबिट साइड पे आएगा 17 2016, टू ड्राइंग्स सुधांशु में जाएगा 6000 एंड 110 2016 का ड्राइंग्स जाएगा सर्वेश में 4000। ओके, आगे बढ़ते हैं सर, हमें यहाँ पे बोला गया है कि भाई एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। ओके, हम यहाँ पे तोड़ मरोड़ के हर एक एडजस्टमेंट की इफेक्ट को यहाँ पे देखेंगे। सर हमें यहाँ पे बोला है 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है। फाइन इनफ माय डियर फ्रेंड्स, तो 8% जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है वो कौन सी कैपिटल के ऊपर देना है? माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्लियर कट यहाँ पे ऐसा बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, मतलब हमें फिक्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। तो दोनों की जो फिक्स कैपिटल दी हुई है हमें 50,000 एंड 40,000, तो 50,000 के ऊपर एंड 40,000 के ऊपर हमें 8% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा, और वो इंटरेस्ट की इफेक्ट जाएगी आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। ये जाएगा 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000 एंड 3200 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे 50,000 के ऊपर 8% तो आएगा 4000 एंड 40,000 के ऊपर 8% तो आएगा हमारा 3200 जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सर, हमें आगे ऐसा बोला है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। सर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन सुधांशु के ऊपर हमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और सर्वेश के ऊपर हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 6000 के ऊपर 9 मंथ्स का 12% के मुताबिक इंटरेस्ट आएगा 540 रुपीज़। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा 540 रुपीज़, और सर्वेश के ऊपर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा 240 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स ओनली। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। सर ऑन 1/4/2016 हमें बैलेंसेस दिए थे 3000 एंड 2000 जो हम ऑलरेडी पुट डाउन कर चुके हैं। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट्स इज टू बी कैलकुलेटेड। सर हमें यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि करंट अकाउंट के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट पे करना है 6% के मुताबिक। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस उसी साइड पे उनका इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे जो बैलेंस है वो कितना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुधांशु का दिया है 3000 रुपीज़, तो 3000 रुपीज़ के ऊपर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 180 रुपीज़ एट द रेट 6% एंड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ सर्विस जो 2000 का हमें बैलेंस दिया हुआ है वो 2000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट आएगा 120 रुपीज़ एज पर 6%। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये 3000 यहाँ पे क्रेडिट है तो उसी का इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है, और ये 2000 यहाँ पे डेबिट है तो उसका इंटरेस्ट भी हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। सुधांशु इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। तो सर हमें यहाँ पे 5% का उसको प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा प्रॉफिट 37,770 रुपीज़ जो हमें क्रेडिट सेट पे दिया है उसमें हम प्लस कर देंगे, क्रेडिट सेट का टोटल निकालेंगे 38,670 रुपीज़। उसमें से ये तीनों चीज़ें माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7200, 180 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स एंड कमीशन माइनस करेंगे, सॉरी कमीशन हमें कैलकुलेट करना होगा वो हम बाद में अभी करते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट की दूसरी इफेक्ट भी हमारी यहाँ पे आएगी, जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं जो हमारी रह गई थी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट की देनी। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो सर्वे है वो 120 यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड पे, और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो सुधांशु का हुआ आएगा डेबिट साइड पे 180 रुपीज़। नाउ देखते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो सर क्रेडिट साइड पे जितनी भी आइटम दिए उन सबका टोटल कर दीजिए, और 7200 और 180 रुपीज़ को उसमें से आप माइनस कर दो, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कमीशन कैलकुलेट करना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्किंग्स में एडजस्टमेंट नंबर 3 में टोटल क्रेडिट साइड हमें जो दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो 3867 माइनस हमने किया है उसमें 7200 एंड 180 रुपीज़, तो आपका आ जाता है 31290। अब 31290 इंटू 5 डिवाइड बाई 105 करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे दिया है कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमारा कमीशन का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1490 जो हमारे लिए डेबिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू कमीशन सुधांशु 1490 रुपीज़, एंड उसकी दूसरी फेक जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में सुधांशु की कॉलम में बाय कमीशन 1490।
माय डियर फ्रेंड्स, ये कमीशन की इफेक्ट देने के बाद हम यहाँ पे जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, ये क्रेडिट साइड का जो टोटल है 38670, उसमें से ये माइनस कर देते हैं सारी चीज़ें, तो हमें बैलेंस मिलेगा 29800 को। अब ये 29800 हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा, वो डिविजिबल प्रॉफिट हम बांट देंगे PSR में, जैसे कि PSR में दिया हुआ है 3:2 का, तो 3:2 के रेशो में हम ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जिसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी हमारी पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 17880 एंड 11920 हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमें पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना रहेगा, तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो सिंपली हम क्लोज करके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे, लेकिन करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस है उसको हमें क्लोज करना रहेगा। क्रेडिट साइड का टोटल हम करते हैं सुधांशु का 26550, जैसे ही मैं यहाँ पे 26550 पुट डाउन करता हूँ, उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करता हूँ, तो मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 20,010 रुपीज़। वैसे ही सर्वेश का जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 15,120, और उसमें से अगर मैं ये 4,120 और 240 माइनस करता हूँ, तो मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 8760, जिसको हम बोलेंगे 31 मार्च 2017 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये सब भी समझ में आया होगा। नीचे मैंने उनकी वर्किंग्स भी दी हुई है, वर्किंग्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, और वर्किंग के सहारे हम कैलकुलेशंस भी समझ सकते हैं। आई होप सो माई डियर फ्रेंड्स कि आप ये दोनों सम कम्प्लीट कर लेंगे, और कम्प्लीट करके मुझे फोटोज़ वगैरह सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड लास्टली, इसके अंदर एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या थी वो आप मुझे पर्सनली सेंड करोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।